देखिए, देख रहे हैं ना, नहीं होल्ड हो रहा है, नहीं रुक रहा है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल आप सभी प्लम्बर के लिए, कस्टमर के लिए। इस वीडियो में आज मैं आपको यहाँ पे देखिए नए बाथरूम का पूरा फिटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप करेंगे। यहाँ पे देखिए जैकुआर का डाइवर्टर लगा है, सिंगल लीवर फोर वे। तो यहाँ पे स्पाउट लगाते समय क्या ध्यान रखना है, डाइवर्टर जब आप ये कवर प्लेट फिट करेंगे तो कौन सी बारीकी का ध्यान रखेंगे, सावर आप कैसे लगाएंगे, यूज करने का तरीका क्या है। प्लम्बर और कस्टमर कंप्लेन ये करते हैं कि ये सावर वाला जो नॉब है ये काम नहीं कर रहा है, होल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, पूरा तरीका बताऊंगा मैं कि आप कैसे फिट करेंगे। साथ में ट्वेल्ट वाला एरिया है, यहाँ पे देखिए जैकुआर का मिक्सर वाल्व यहाँ पे लगा है, हॉट और कोल्ड को यहाँ पे मिक्स करके देगा, ये कंसील्ड है। ठीक है, तो ये सब का पूरा फिटिंग मैं करने वाला हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे आप फिटिंग करेंगे, कौन कौन सा आपको ध्यान रखना है। ये देखिए जैकुआर का सावर ये है, देखिए इसमें था ये कवर है ऊपर से तो था, ये सावर देखिए जैकुआर का है, काफ़ी वेट है, लगभग ये 1 किलो से ज़्यादा है। ये आगे से मॉडल आप इसका कुछ इस प्रकार है, देखिए जैकुआर का लोगो यहाँ पे है। ठीक है, देखिए जैकुआर यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, और इसमें है सावर आर्म, इसका सावर आर्म देखिए ये भी जैकुआर का है, बनावट आप देख सकते हैं एल टाइप का है ये मॉडल। और यहाँ पे देखिए जैकुआर का लोगो, इधर भी जैकुआर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, देखिए जैकुआर का है ये। तो काफ़ी महंगा है, मतलब जैकुआर का तो महंगा आता ही है। ठीक है, अगर कोई चूज कर रहा है कि मुझे जैकुआर लगाना है तो वो साथ में ये भी ध्यान रखें कि मतलब महंगा आएगा जैकुआर का। सी ये देखिए सीपी फ्लांज है, स्क्वायर है ये, और एडजस्ट करने के लिए लूज और टाइट करने के लिए यहाँ पे देखिए ये जो पत्ती है ना ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वाला, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्पाउट है, देखिए स्पाउस के साथ ये सीपी फ्लांज, और ये पीवीसी गार्ड दिया है ताकि जो है ये जो सीपी फ्लांज है ये दबे ना जब आप टाइट करेंगे, वो इससे भी ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। स्पाउट देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला मॉडल है, यहाँ पे एलनकी दिया है, इसका ये जो कनेक्टर है इसको निकालने के लिए थोड़ा सा टाइट भी आपको कर लेना चाहिए पहले ही, देखिए टाइट कर दिया मैं। इस तरह से आपको चेक करना है, पहले देखिए एक्सटेंशन लगा के चेक करना है, जो सीपी फ्लांज है ना इस स्पाउट के साथ में पीछे वाला, वो टाइल से बिल्कुल चिपकना चाहिए, गंदा नहीं दिखना चाहिए। तो मेरे केस में पॉइंट अंदर है स्पाउट का और 1.5 इंच का एक्सटेंशन यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए एक्सटेंशन यहाँ पे लगाया है मैंने, अब ये स्पाउट यहाँ पे टाइट होगा। टेफ्लॉन वगैरह प्रॉपर लगाना आपको, नहीं तो फिर पानी लीक करेगा, लीक के जाएगा। सीपी फ्लांज इसका यहाँ पे है, आपको जो एंगल अच्छा लगे उस एंगल में आप इसको रख सकते हैं। देखिए स्पाउट यहाँ पे लगा दिया, कितना खूबसूरत दिख रहा है ये, देखिए यहाँ पे टाइल से बिल्कुल चिपका हुआ जो होना चाहिए, एकदम सफाई के साथ में काम करना है, गंदगी नहीं फैलाना यहाँ पे किसी भी कस्टमर के साथ में। अब यहाँ पे सावर लगेगा और कवर लगेगा, तो सावर मैं पहले लगा देता हूँ। सावर इसका ये है, सीपी फ्लांज इसका ये है, देखिए यहाँ पे लगाया, और वो भी पॉइंट अंदर है तो वहाँ भी लगभग 1.5 इंच या फिर 1 इंच एक्सटेंशन लगेगा, देखना पड़ेगा। देखिए नहीं मिल रहा है ना, तो इस तरह से चेक करना है, अभी यहाँ भी 1.5 इंच का एक्सटेंशन लगेगा।
देखिए डायवर्टर के आउटर प्लेट के साथ में इतना सारा सामान आता है, ये है हैंडल और ये है शावर वाला नॉब और ये है शावर बटन, जो आप लोग बोलते हैं कि शावर वाला जो ये बटन है होल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। क्रोम वाला ये कवर है, उसके बाद ये देखिए ये इसका प्लेट है, ये देखिए रबर वाशर यहाँ पे दिया है, खोलना है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा लूज करेंगे, लूज किया ये देखिए, अब ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकालना है, स्क्रू निकलेगा अंदर से, ये देखिए ये वाला स्क्रू, अब इसको पहले बाहर ही फिट करेंगे। डायवर्टर ये दिखाई दे रहा है, ये वाला अब पहले यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह से स्क्रू से इसको टाइट करना है, टाइट हो गया। अब यहाँ पे हैंडल इसका लगेगा, लेकिन हैंडल लगाना पहले पहले देखिए, सबसे पहले ये वाला जो सावर वाला ये नॉब है ना, इसको अंदर टाइट करना है, अंदर थ्रेड दिया है और यहाँ पे बाहर थ्रेड है, ये फीमेल है ये मेल है, अब ये टाइट होगा इस तरह से, देखिए यहाँ पे ये सावर वाला नॉब लगा दिया मैं। अब लगाना आपको ये देखिए, ये जो क्रोम वाला ये कवर है, ब्रास भी रहता है, क्रोम का सिर्फ पॉलिश है, ये लगेगा यहाँ पे और इसको साफ कर लेना है थोड़ा सा, एक वाशर पे भी माउंट हो जाता है, ठीक है, लेकिन दोनों ही रहेगा मेरे केस में। देखिए अब ये प्लेट जो है ना, ये यहाँ पे लगाएंगे, देखिए लगा दिया अब मैं यहाँ पे, सबसे पहले देखिए ये सावर वाला जो नॉब है ये यहाँ पे टाइट करेंगे, इसमें थ्रेड है, इस तरह से घुमाना है, टाइट हो जाएगा पूरा। अब ये देखिए हैंडल है, हैंडल को यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला गार्ड आपका पहले से ही लगा रहेगा, अब हैंडल को आपको यहाँ पे लगाना है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइट रहता है ये, हल्का सा दबाव देना पड़ेगा, देखिए अंदर चला गया ये। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडल वगैरह सब कुछ टाइट हो गया है, डायवर्टर का कवर प्लेट यहाँ पे लग गया, स्पाउट भी लग गया, ऊपर यहाँ पे आप देख लीजिए शावर भी कनेक्ट हो गया है। अब सप्लाई को ऑन करके इसका मैं आपको दिखाता हूँ प्रेशर, ये शावर का, उसके बाद डायवर्टर को मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको किस तरह से यूज करेंगे, हॉट वाटर कैसे मिलेगा, कोल्ड वाटर कैसे मिलेगा, और ये वाला जो मेन प्रॉब्लम आप लोगों का कि आप लोग कहते हैं कि ये होल्ड नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है प्लम्बर्स के पास, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सप्लाई को मैं ऑन कर दिया हूँ, सबसे जो यूजफुल पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे कंप्लेन जो रहता है प्लम्बर्स का, कस्टमर का, ये शावर का जो नॉब है होल्ड नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेशर कम होगा इसलिए ये होल्ड नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर टैंक का हाइट ये शावर के ऊपर ही रख दिया जाए ना टंकी को, तो भी ये होल्ड होगा, बस तरीका है समझिए कैसे होल्ड होगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो भी बताते हैं सब गलत तरीके से बताते हैं, आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा कि ये जो शावर का बटन है दरअसल काम कैसे करता है और क्यों नहीं होल्ड होता है, मैं आपको बताता हूँ। यूज करने का तरीका सबसे पहले समझिए, अगर आपको ऑन करना है तो देखिए अभी ये ऑफ कंडीशन में है, ये शावर वाला नॉब है और ये मेन स्पाउट के लिए है, मेन ऑपरेट यहीं से होगा, ऑफ कंडीशन में है, ऑन करना है इस तरह से करेंगे, देखिए ऑन हो गया, लेकिन ये मिक्स होके आ रहा है, अभी हॉट और कोल्ड दोनों मिक्स होके आ रहा है, सिर्फ कोल्ड वाटर चाहिए यहाँ पे करेंगे, अब ये सिर्फ यहाँ पे ठंडा पानी आएगा, कोल्ड वाटर आएगा, हॉट वाटर चाहिए गर्म पानी यहाँ पे लेफ्ट साइड करेंगे, देखिए अब यहाँ पे गर्म पानी आएगा, ऊपर देखिए गीजर नहीं लगा हुआ है इसलिए इसको मैं बाईपास कर दिया हूँ, कोल्ड वाटर ही आ रहा है लेकिन प्रेशर कम है क्योंकि रिड्यूस हो गया है, डिक्रीज होता है कनेक्शन पाइप से होके आ रहा है, तो इधर हॉट वाटर आ रहा है, लग रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, मिक्स करना है, धीरे धीरे मिक्स करेंगे इस तरह से, देखिए ये बढ़ रहा है प्रेशर, ये मिक्स हो रहा है, अब ये सेंटर में ये पूरा मिक्स हो रहा है ठंडा और गर्म, यहाँ पे टेम्परेचर अब कम हो जाएगा, ठीक है। ऑफ करना है, इस तरह से ऑफ करेंगे, देखिए बंद हो गया, अब मैं आपको बताऊंगा शावर कैसे चलाना है और ये क्यों नहीं होल्ड होता है पूरा, देखिए आपके सामने मेरे केस में भी अभी मैं जो गलती करूँगा वो ये होल्ड नहीं होगा, देखिए ऑन कर दिया इसको मैं, स्पाउट चल रहा है, दबाया देखिए नहीं होल्ड हो रहा है, नहीं रुक रहा है ना, ये देखिए नहीं रुक रहा है, मैं कितना भी दबाऊँगा ये रुक नहीं रहा है, तो ये प्रेशर के ऊपर नहीं डिपेंड रहता है, सीधा मैं बताता हूँ देखिए क्या होता है इसमें, पहले इसको दबा के रखेंगे, देखिए ये शावर वाला जो पाइप है ना ऊपर जा रहा है शावर में, ये पाइप जो है जब तक पूरा पानी से भरेगा नहीं तब तक ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जब पानी पूरा भर जाएगा तब जो है अब तब एयर बनाएगा और एयर जब बनेगा तभी ये अंदर खींचेगा, ठीक है, इसी तरह से काम करता है। लोग क्या गलती करते हैं, इसको ऑन किया तुरंत और ये दबाएंगे और कहेंगे होल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है, देखिए पानी भर गया है इसलिए होल्ड हो जा रहा है, रुक जा रहा है, ये पानी में रिलीज कर दूंगा इसका, देखिए देखिए ये शावर वाला जो पाइप है उसका पानी में रिलीज कर रहा हूँ, अभी होल्ड नहीं होगा, ये आपके सामने देखिए पूरा खाली हुआ,
ऑन कर दिया, आप देखिए नहीं रुकेगा ये, जब तक पाइप पूरा भरेगा नहीं शावर वाला तब तक ये रुकेगा नहीं, देखिए नहीं रुक रहा है। अब थोड़ी देर दबा के रखेंगे, पाइप जो है पूरा पानी से भर जाएगा, उसके बाद एयर नहीं मिलेगा तो ये अपनी तरफ खींच लेगा। देखिए दबा के रखा हूँ शावर में, आप देखिए पानी आ रहा है, शावर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब मैं छोड़ूंगा तो ये रुक जाएगा, तुरंत रुकेगा, देखिए रुक गया, ये पाइप जो है पूरा पानी से भर गया। अब इसमें एयर जो है अब ये खींच रहा है, इधर से एयर मिल रहा है, ये अंदर दबा के रखा है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही बंद करूँगा स्पाउट ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, देखिए स्पाउट यहाँ पर चल रहा है, ये देखिए स्पाउट चालू हो गया। अब जैसे ही दबाऊंगा शावर में पानी भरा हुआ है, तुरंत ये रुक जाएगा, ये देखिए तुरंत रुक गया, देख रहे हैं ना शावर चालू हो गया। और इस पर फोकस करिए, आप लोग कंप्लेन करते हैं ये मेरा रुक नहीं रहा है, तो बस ये इसीलिए नहीं रुकता है, हाइट वाइट से कोई मतलब नहीं है प्रेशर से इसका, पाइप जो है शावर वाला पूरा पानी से भरना चाहिए तब ये रुकेगा। आप देखिए आपके सामने है, बार बार रुकेगा ये, देख मैं तीन चार बार करके दिखाता हूँ, बंद किया देखिए इस, अब यहाँ पर स्पाउट चल रहा है, ठीक है, दबाया तुरंत रुकेगा, देखिए रुक गया, ठीक है, बंद किया बाहर आ गया, देखिए स्पाउट चल रहा है, देखिए तुरंत रुक रहा है ना शावर वाला नाव, स्पाउट चल रहा है रुक रहा है, स्पाउट चल रहा है रुक रहा है, तुरंत रुक रहा है ना, तो बस ये इसी तरह से काम करता है। अब लोग क्या गलती करते हैं, तुरंत इस तरह से चलाएंगे, अब ये इसमें देखिए पानी में रिलीज कर रहा हूँ, पानी शावर वाले पाइप में रहेगा नहीं और ये होल्ड नहीं होता है। अब देखिए अब होल्ड नहीं होगा ये, देखिए देख रहे हैं ना नहीं होल्ड हो रहा है, नहीं रुक रहा है ना, तो जब तक ये पाइप पूरा पानी से भरेगा नहीं तब तक ये रुकेगा नहीं, यहाँ पे होल्ड नहीं होगा, बस यही तरीका है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप कवर प्लेट वगैरह कैसे लगाएंगे, क्या ध्यान रखेंगे, उसके बाद इसको आप कैसे यूज करेंगे, ये भी मैंने बताया कि ये शावर वाला जो नॉब है किस तरह से काम करता है। ध्यान दीजिए एक बार और बता रहा हूँ, प्रेशर वेशर से कोई भी मतलब नहीं है इसका, जब तक ये शावर वाला पाइप आपका पानी से भरेगा नहीं तब तक ये होल्ड नहीं होगा। ध्यान रखिए लोग तुरंत चालू करते हैं, तुरंत दबाते हैं, कहते हैं शावर वाला नॉब काम नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग मेरे फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सबका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।